डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये क्वेश्चन आता है डेफिनेट इंटीग्रल, बाइनोमियल थ्योरम, लिमिट्स का कंबाइंड, तीनों का कंबाइंड। तीनों ही टॉपिक बहुत ही अपनी जगह पे काफी अच्छे टॉपिक हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ई माइनस लिमिट एन टू इनटू इनफिनिटी सिग्मा के इज इक्वल टू जीरो टू एन एन सी के होल डिवाइड बाई एन टू द पावर के के प्लस थ्री। ऑप्शन गिवेन है 0, 1, 2, 3। तो मान लिया एस इज इक्वल टू लिमिट एन टू इनफिनिटी के इज इक्वल टू जीरो टू एन एन सी के होल डिवाइड बाई एन टू द पावर के के प्लस थ्री। अब यहां पर 1 अपॉन के प्लस 3 एनसी के और 1 अपॉन एन टू द पावर के, बस केवल उसी को ही स्प्लिट करके लिखा हुआ है। अगला स्टेप जो है, यानी कि ऊपर से थर्ड लाइन जो है, इस पे ध्यान से देखिए, ये जो है 1 अपॉन के प्लस 3, इसको 0 टू 1 एस टू द पावर के प्लस 2 डीएक्स भी लिखा जा सकता है। अगर एक्स टू द पावर के प्लस 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा एक्स टू द पावर के प्लस 3 अपॉन के प्लस 3, और उसमें जब लिमिट ले लेंगे 0 से 1, ये मिलेगा 1 अपॉन के प्लस 3। तो ऐसे कन्वर्ट करना है, यही इसका मेन की पॉइंट है। तो अब देखिए क्या है कि ये प्रॉपर्टी है कि आप ये सारी लिमिट इस इंटीग्रल के अंदर ले जा सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। तो 0 टू 1 एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, यहां पर तो लिमिट एन अटेंडिंग टू इन्फिनिटी है और के की वैल्यू 0 से एन है, तो एक्स का तो कोई रोल है नहीं, उसको बाहर कर दिया। तो लिमिट एन टू इन्फिनिटी के इज इक्वल टू 0 से एन एन सी के, और अब एक्स टू द पावर के और अपॉन एन टू द पावर के को कंबाइन कर दिया एक्स अपॉन एन होल टू द पावर के। ये बन गया एक्सपेंशन, किसका, 1 प्लस एक्स बाई एन होल टू द पावर एन का एक्सपेंशन बन गया। अब देखिए लिमिट एन टू इनटू इनफिनिटी 1 प्लस एक्स अपॉन एन होल टू द पावर एन, ये 1 टू द पावर इनफिनिटी की फॉर्म में है। तो लिमिट एन टू इनटू इनफिनिटी 1 प्लस एक्स टू द पावर एक्स अपॉन एन होल टू द पावर एन, इसको जब लिमिट लेंगे तो ये मिलेगा ई टू द पावर एक्स, यानी कि कुल मिलाकर फाइनली क्वेश्चन मिला 0 टू 1 एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसको बाई पार्ट्स आप अपने आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी ई माइनस 2, कहने का मतलब ई माइनस एस की वैल्यू आ गई 2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक ठाक, अच्छा क्वेश्चन एडवांस के लिए। ओके, थैंक यू।